देखिए, मैंने आज के 40 साल पहले अपनी बीकॉम की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की थी जो मेरे पिताजी चूरू राजस्थान में चलाते थे। फिर मुझे उसमें उस वक्त एक बैंक में कैशियर की परमानेंट नौकरी भी मिल गई थी जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। और दुकान में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा मेरा पैशन क्या है और मैं ऐसा कुछ करूँ जो मेरे पैशन के नज़दीक है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि उस वक्त इंडिया में कारपेट के वीवर बनाने वाले बहुत कम थे लेकिन कारपेट की मांग बहुत ज़्यादा थी। और मुझे क्या, लोगों के साथ रहने में नेचर के साथ बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा ये बिजनेस सूट करेगा। तो मैंने अपने पिता से 5000 रुपये उधार लेकर 2 लूम लगाकर 9 वीवरों के साथ इस धंधे की शुरुआत की। जब इस धंधे की शुरुआत मैंने की तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया कि उसमें काम करने वाले जितने वीवर थे वो हरिजन रेगर चमार जाति के थे। तो घर वाले बोले कि ये तो सब अनटचेबल, हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। मोहल्ले वाले बोले, दोस्त लोग बोले। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। तो लेकिन मेरा पैशन उन वीबरों के प्रति था, वीबिंग के प्रति था। 8 साल तक मैंने जॉबर किया। फिर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। और फिर 99 में मैंने अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी की बिल्कुल जीरो से शुरुआत की। ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं ना, दे आर ड्रिवन, जो बिजनेस लीडर होते हैं दे आर ड्रिवन बाय द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और जब कोई आदमी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ड्रिवन होता है तो वो जितने भी डिसीजन करता है, एक्शंस करता है, उसमें फियर होता है। फियर का मतलब है कि दूसरा कोई मेरे से आगे नहीं चला जाए। उसकी उस वक्त उस आदमी को हर वक्त फेलियर का डर लगा रहता है। और जयपुर रग का जो बिजनेस मॉडल है, इट इज ड्रिवन बाय द कंपैशन। अल्टीमेटली द कंपैशन जो है वो एम्पथी में चेंज हो जाता है। और जब एम्पथी होती है तो यू कैन सी योर पीपल। देखिए, जब से मैंने इस काम को शुरू किया था 9 वीवर के साथ, तो मैंने जब से शुरू किया तो हम लोग क्या, डायरेक्ट जो वीवर होता है उसी से हम लोग काम करते हैं। और हम जो रॉ मटेरियल वीवर के घर पे भेजते हैं, पेमेंट की वीवर के घर पे भेजते हैं, तो और उसके अंदर कोई भी मिडल मैन नहीं होता। आज तक पूरे दुनिया में जो कारपेट इंडस्ट्री है दैट इज़ रन बाय द मिडल मैन। जयपुर एक पहला बिजनेस है जिसमें मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम नहीं किया। तो जो औरतों के घरों में लूम होती है वीवर के घर पे, और वो अपने, जिससे औरतों को एक तो अपने घर के बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर को बच्चों का भी लालन पालन करती है, घर पे खाना बनाती है, घर की देखभाल करती है और साथ साथ काम भी करती है। और जब से मैंने शुरू किया आज तक कुछ वीवर 20 साल 25 साल से भी जुड़े हुए हैं। आज तक एक सिंगल वीवर को भी हमने घर पे बिना काम के नहीं बैठने दिया। तो क्या है कि एक तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, उनको रेगुलर उनके घर पे काम मिलता है। दूसरा क्या है कि उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको हम लोग कंटिन्यूअस इन्हांस करते रहते हैं। उनके माइंडसेट को चेंज करना, उनकी लीडरशिप को डेवलप करना, उनकी डिसीजन करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना। अभी हमने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम रखा अपने मन सा आर्टिजन ओरिजिनल। कि जितनी भी ये जो महिलाएं हैं, ये भले ही स्कूल नहीं गई हो, ये पढ़ी लिखी नहीं हो, एंड देवर रिजेक्टेड बाय देयर ओन फैमिली, देवर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, लेकिन जब भगवान ने उनको इस दुनिया में भेजा था तो उन्होंने उनको सब कुछ दे के भेजा। तो हमने सोचा आज तक जो कारपेट इंडस्ट्री है उसने केवल उनके हाथ को यूज किया है, तो क्यों नहीं हम उनका माइंड और हार्ट उसको काम में लेवें। तो हमने उनकी क्रिएटिविटी को काम में लेने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि आप अपने डिज़ाइन के खुद कारपेट बनाइए। आप केवल वीवर ही नहीं हैं, आप एक डिज़ाइनर भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि पहले साल उनकी बनाई हुई डिज़ाइन को जर्मन डिज़ाइन अवार्ड मिला, और नेक्स्ट ईयर उन औरतों की बनाई हुई डिज़ाइन को जर्मन डिज़ाइन गोल्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला। और वो ऐसी महिला जिस कभी स्कूल में नहीं गई थी, उसका वीजा पासपोर्ट भी अंगूठा से आया, वो महिला अवार्ड लेने के लिए जर्मनी गई।
Going forward, what is your vision? Aapka agle 10 saal ka, matlab, what is the thing that you're thinking for Jaipur Rugs? देखिए आने वाला जो समय है उसमें कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि आने वाला समय मिलेनियंस का है. मिलेनियंस को वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है उनका कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किस तरह बना है, किसने बनाया है, क्या सोच के बनाया है, उस कंपनी में इथिक्स और वैल्यूज है या नहीं है. तो आने वाला पूरा समय एक्सपीरियंस का है. कस्टमर को एक्सपीरियंस चाहिए. तो जो फ्यूचर विजन है जयपुर रग का कि जो आर्टिजन है वो एंड कंज्यूमर से कैसे मिले, हाउ द आर्टिजन एंड द एंड कंज्यूमर कैन कनेक्टेड इमोशनली. तो अभी हमने जो शुरू किया है कि जितने भी जो व्यूअर हैं उनके जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो एंड कंज्यूमर तक उनकी स्टोरी को कैसे कैसे पहुंचाए. और इसके अलावा हम लोग B2C जा रहे हैं पूरा. तो जो एंड कंज्यूमर है वो बीबर के साथ मिलके, इंटीरियर डिजाइनर्स डिजाइनर्स के साथ मिलके खुद के अपने कारपेट क्रिएट करें. तो आने वाले समय में B2C जाएंगे और एंड कंज्यूमर और बीबर को आपस में इमोशनली कनेक्ट करना और वो दोनों मिलके को क्रिएशन करें. इधर वीवर हो गया, इधर एंड कंज्यूमर हो गया, इधर इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट हो गए, वो सारे मिलके को क्रिएशन करें. इस दिशा में हम इस बिजनेस को लेके जा रहे हैं. दूसरा, अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया वीवर के साथ कि एक आदमी जो होता है वो अपने घर पे अपने सारे निर्णय करता है. एक महिला ले लो, कोई पुरुष ले लो, लेकिन जब वो ऑफिस में आता है तो वो निर्णय करना क्यों 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 बंद कर देता है. व्हाट इज रॉन्ग विद द बिजनेसेस व्हेन दे स्टॉप मेकिंग द डिसीजंस. तो अभी हमने एक सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है और सेल्फ मैनेजमेंट में दुनिया की जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं उनके 4-5 CEOs वगैरह हमारे साथ इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम उन वीवरों को सेल्फ मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि वो अपने खुद के डिसीजन करें, वो खुद लर्निंग करें और कस्टमर की मैक्सिमम वो हेल्प करें. सो आने वाले समय में ये सारे व्यूवर्स और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो साथ वाले लोग हैं, वो मिलके जयपुर रग को चलाएंगे एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट. एब्सोल्युटली. एंड वी डू हैव द आर्टिजंस हियर. नमस्ते नमस्ते, प्लीज कम. नमस्ते, मेरा नाम शांति है, मैं मानपुरा गांव से आई हूँ और मैं मानपुरा गांव की बुनकर सकी हूँ. बुनकर सकी एक ही वीवरों की दोस्त, उनकी सहेली और इस जयपुर रग्स कंपनी के साथ में मैं 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और 4 सालों में मेरी ज़िंदगी में मतलब क्या बदलाव आया है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ. मतलब मैं बिल्कुल अंगूठा टेक हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ. तो इससे सबसे पहले तो जब मैंने जॉइनिंग की तो मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब कंपनी की तरफ से जो एजुकेशन जो स्कूल खुली थी तो मैंने पढ़ाई की. पढ़ाई करने के बाद में मैं गलीचा कुछ जानती भी नहीं थी कि मतलब गलीचा क्या होता है और गलीचे में मतलब क्या करना पड़ता है. तो मुझे इस जयपुर रग्स कंपनी मुझे वो सारा काम मतलब मुझे एक एक फंदा एक एक चीज़ मुझे बहुत गहराई से बताई और तब जाके मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ. मैं पूरे गाँव में घूमती हूँ, मैं महिला से मिलती हूँ, मैं महिलाओं को मतलब मोटिवेट करती हूँ. जो भी कंपनी की तरफ से जो भी वो नई नई योजना आती है, नई नई स्कीम आती है तो मैं उनको अच्छे से मतलब बताती हूँ. और महिलाओं के साथ में मुझे काम करके इतना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. साथ में मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से मतलब संभालती हूँ. अपने बाल बच्चों को बहुत अच्छी स्कूल में मतलब पढ़ाती हूँ. सारे घर की जवाबदारी मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम शांति है. मेरा नाम भी शांति है और मैं मानपुरा गांव से हूँ और 11 साल पहले मैं जयपुर रग्स कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ. और पहले मेरी ज़िंदगी बहुत खतरनाक थी और अब मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल सफल है. लेकिन इस दिन जयपुर रग्स कंपनी के जुड़ने के बाद और रात और दिन का फर्क है क्योंकि यह कंपनी वो है ईमानदारी और सच्चाई और मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है. और
और क्या पूछना चाहिए? कोई नहीं, मैं पूछ रही थी कि आपके घर से कोई शुरू में उन्होंने कोई आपत्ति की, आप बाहर जाके काम नहीं करो, आपको क्या जरूरत है? नहीं, वे काम मेरे घर पे होता है। मैं इस जयपुर रक्स कंपनी का कोई आदमी आया था तो मैं पागल होकर उनकी खोज करने लग गई कि आदमी कौन है, कौन सी कंपनी में आया है। तो मैं इसकी खोज करके मैंने पता लगा कि बोला कि मेरे पास में भी दो लूम लगा दो आप। तो उसने मेरे पास में दो लूम कारीगरों से शुरुआत करके आज दो लूमों से शुरुआत करके आज मेरे घर पे, मेरे पूरे गांव, मेरे घर पे तो 6 लूम है और मेरे पूरे गांव में 42 लूम है। 40 लूम। वाओ।